श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की। हे जुगत अति शोभाए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी घुंघरू का वर्णन चल रहा था अभी तक। अब आज दूसरा आभूषण पैर के आभूषणों में उसका वर्णन है। अब कहूँ रंग कांबिय के पहरे जंजीर ज्यों जुगत। अब हम कांबी उस आभूषण की बात कर रहे हैं। पहरे जंजीर ज्यों जुगत, उसमें जंजीर के साथ में श्रृंखला सांकल होती है ना, वो चैन, अभी उसमें चैन बोलते हैं। ऐसे ऐसे कड़ियाँ ऐसी जुड़ी हुई होती है तो उसके हिसाब से तो वो होता है चैन। तो उसके अनुरूप जंजीर ज्यों जुगत, वो तो उसकी तरह से। अब ये काम भी कैसा है तो पहले भी बोला था। तो यहाँ पर पगतली में, पग में, तो यहाँ पर वो कड़ा जैसा होता है, तो वो कड़ा अलग है, ये दूसरा छोटा कड़ा होता है। तो ये उसमें ऐसे मरोड़ा हुआ तो उस टाइप के उसके लिए भी वर्णन आएगा। तो उसमें से जंजीर जाती है श्रृंखला, और फिर वो अंगूठे में तो वहाँ रिंग होता है तो उसके साथ में जुड़ी होती है अंगूठा, और तो यहाँ उसके पैर के उस भाग से, इस भाग से लेकर के अंगूठा तक ये चैन से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ भी रिंग होगा, यहाँ भी रिंग जैसा ही होगा। तो वो केवल रिंग ना हो करके तो कड़ा बड़ा है तो वो कड़ा हो गया। तो वो कड़ा भी थोड़ा सा दूसरे टाइप का होता है। तो इसके लिए बता रहे हैं पहरे जंजीर ज्यों जुगत, तो जंजीर की तरह से वो युक्तिपूर्वक पहनी है। जुदे जुदे रंग हर कड़ी, हर कड़ी में अलग अलग रंग दिखाई देंगे। नैना देख न होए त्रपत, देख देख करके ना वो आँखों को तृप्ति नहीं होती है, देखते ही रहें ऐसा लगता है। अनेक कड़ियाँ जंजीर में, उस जंजीर में अनेक कड़ियाँ हैं, तो कड़ी कड़ी मिलकर के जंजीर होती है ना श्रृंखला। तो उस तरह से गिनती ना आवे ताए, उसको कितनी है, एक से एक जो देखते हैं वही अच्छी लगती है, तो गिना ही नहीं जा सकता, इसलिए उसकी गिनती नहीं हो सकती। कई रंग नंग एक कड़ी में, तो एक एक कड़ी में भी अलग अलग प्रकार के रंग के रत्न जड़े हुए हैं एक ही कड़ी में, और ऐसे तो बहुत हैं, ऐसे कड़ी असंख्य हैं। बेल जंजीर गिनी न जाए, और उसमें जंजीर में तो उसमें एक एक कड़ी में ऐसे अलग अलग रंग के रत्न हैं, और वो उसमें एकदम सूक्ष्म रूप से देखते हैं तो वो बेल की तरह से भी वो उसकी जैसे बेल जैसा की जैसी चित्रकारी भी दिखाई देती है। इसलिए तो वो जंजीर में कितनी बेलें हैं तो ये भी गिना नहीं जा सकता है। ये विचार कीजिए जब दिल में, रूह की खोल नजर, आत्मदृष्टि खोल करके हृदय से विचार करने लग जाएंगे तो क्या पता चलेगा। कड़ी कड़ी के रंग देखिए, तो लगता है कि हम एक एक कड़ी उसका रंग देखने लगेंगे। तो गिनते हुए जाए फजर, गिनते गिनते प्रभात हो जाएगा, कहने का तात्पर्य। तो ये संसार में से वो गिनते गिनते अभी गिनने लग जाएंगे, रात हो जाएगी और सुबह हो जाए, उस प्रकार से भी कह सकते हैं। दूसरा तो ज्ञान का फजर होना, प्रकाश प्रभात होना, तो ये आत्मा जागृत हो जाएगी, तब तक ये बात उसमें पूरा गिनी नहीं जा सकेगी, ये कहना चाह रहे हैं। तो इस स्वप्न में गिना ही नहीं जा सकेगा। तो गिनने लग जाएंगे तो जब तक आत्मा जागृत होगी तब तक गिनते ही रह जाएंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ऊपर खजुरा कड़ियन का, ऊपर जो कड़ा है ना, तो यहाँ ऊपर में तो वो कड़ा, तो उसमें खजुरा, तो खजूर कैसे वो खजुरा उसको एक जीव होता है ना, तो जिसके पैर ऐसे 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 बहुत उसमें होंगे, तो उस टाइप के ये उस तरह से वो बना हुआ होता है, तो उसको खजुरा बोल देते हैं। उस हिसाब से इसकी वो कड़ा ऐसा है। और कई बेली कड़ियों में, और कड़ियों में बाकी दूसरी लताएं भी बहुत हैं। तीन बेलों रंग बेली कड़ियों, बेलों में बेलों का रंग, और इधर कड़ियों जो दूसरी, तो इधर वहाँ से जो जंजीर निकली है उसकी कड़ी हैं छोटी छोटी, तो उनकी बेल उसमें देखेंगे तो एक खूबी क्यों कर कहे जो आए, दोनों की विशेषताएँ इस जीवा के द्वारा बताई नहीं जा सकती। इतने सुंदर आभूषण हैं। तेज ज्योत शोभा शलु की, उसमें से निकलने वाला प्रकाश, तो उसकी चमक और उसकी शोभा, शलु की सुंदर शोभा। रूह के ताक देखे, ये आत्मा कितनी देखे, तो देखते देखते ना देखती रह जाती है, इतना अच्छा लगता है। खुशबोए नरम स्वर माधुरी, तो उसमें से सुगंधी भी निकलती है, और नरम स्वर मीठी मीठी वो उसमें नरम खुशबू भी निकलती है, और एक बड़े कोमल भी हैं, और स्वर माधुरी भी है, मधुर स्वर है। और कई सुख गुझाने का, तो इसमें और भी गुह्य सुख हैं, तो ये तो जो बाहर से दिखते हैं वो बात बता दी, और भी देखते रह जाएंगे तो वो देखते ही रह जाएंगे, इतना आनंद आता रहेगा। ऐसे अनेक सुख मिलेंगे। पांच रंग नंग हर कड़ी, हर कड़ी में वो जंजीर में कि हर कड़ी में 5 प्रकार के रंग के रत्न हैं। कई बेल फूल पाता, तो उसमें कई तो बेलियां हैं, फूल हैं, पत्ते हैं। 5 रंग नंग हर कड़ी, हर कड़ियों में 5-5 रंग के रत्न हैं। कई बेल फूल पाता, तो उसमें कई लताएं, फूल, पत्ते वो चित्रित हैं। कई कटाव कई बूटियाँ, तो ऐसे कई बूटियाँ भी, बूटियों का भी वो एम्बोज हुए हों, तो उस प्रकार से, तो उस प्रकार के ऐसी उसके कारीगरी है। इन जुआ गिने न जाता, इस जुआ से उनको गिना नहीं जा सकता। हर कड़ी कई करकरी, एक एक कड़ी में करकरी मतलब छोटे छोटे दाने जैसे उसमें लगे हुए हों, इस तरह से वो करकरी। सो देखा था जो जड़ा हो, मानो उसको ऊपर से जड़ा हुआ हो, ऐसा लगता है। नंग ज्योत नजरों आवही, उनके नंग उनमें जो रत्न जड़े हुए हैं वो नजरों आवही, उसकी ज्योति नज़र में आती है। कई नकाश कई कटाव, तो उससे पता चलता है कि कई प्रकार के नक्काशी है, और कई प्रकार का कटाव मतलब कार्विंग टाइप का काम हुआ है, ऐसे कई प्रकार की चित्रकारी है। अब इतना सब कुछ है, तो वो करकरी है तो चुभेगा, तो उसके लिए बता रहे हैं। सख्ती न देवे चरण को, चरण कमल को कोई सख्ती, तो उसमें कोई कठोरपन नहीं देंगे, कोई चुभने वाले नहीं है ये। ना बोझ देवे पाए, ना चरण कमल को ये बोझ ही भारी देते हैं, तो इनमें भार भी नहीं लगता है और इनमें कोई कठोरता भी नहीं है। गुण सुख एक भूषणा, इन मुख गिने न जाए। यदि एक भी आभूषणों की विशेषताओं का वर्णन करने लग जाएंगे, इससे कितना आनंद प्राप्त होता है तो वो बताया नहीं जा सकता, इस मुँह से गिना नहीं जाएगा। ये देखा था अचरज भूषण, ये इस ऐसा आश्चर्यजनक भूषण है, आभूषण है। बैठे अंग को लाग, ऐसा लगता है कि वो पूरे शरीर में लगा हुआ है, ऐसा लगता है। ये शोभा कहीं न जावई, ये शोभा कहीं नहीं जा सकती। कोई देखे जिन्हें सिर भाग, जिनके सिर में भाग्य है ना, वही इसको देख सकते हैं। स्वरूप पुतलियों मोतियों है ऊपर हर जंजीर, तो वो हर कड़ी में, वो जंजीर की हर कड़ी में वो मोतियां हैं, वो पुतली की भांति है। शोभित सन्मुख चेतना, तो सामने से देखते हैं तो लगता है कि ये सब चेतन है। क्यों कहो इन मुख नीर नीरा, उनका नीर का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर नीर कहने से नीर तो वैसे जल के लिए होता है, लेकिन यह है कि इस मुंह से तो इसमें से जो रस टपकने लगता हो ना, तो हर आभूषणों में ऐसा ही होता है, परमधाम की हर वस्तुओं में। तो उस क्या बताएं, हक चाही बानी बोलता, जैसे अक्षराते धामधनी चाहते उसी प्रकार की वाणी इनमें से निकलती है। हक चाही ज्योत धरत, जैसे अक्षराते धामधनी चाहते हैं उसी प्रकार की ज्योति इसमें से निकलती है। खुशबोएं नारा महक चाहिए, तो इसकी खुशबोएं सुगंधी और नरमाई कोमलता हक चाहिए, जैसे अक्षराते धामधनी चाहते हैं उस प्रकार से है। हक चाया सब करत, जैसे अक्षराते धामधनी चाहते हैं ये आभूषण उसी प्रकार का कार्य करते हैं। जैसे स्वरूप रूहाना के चरणों लगे गिर दबाए, जैसे ब्रह्मात्माओं का के परात्माएं, ब्रह्मात्माओं के शरीर है, वो चारों तरफ है ना अक्षराते धामधनी को घेर करके, तो इसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं। त्यों पुतलियाँ मोती न की कदमों रही लिपटाए, अब ये जो कड़े में जो मोतियों की पुतलियाँ हैं, तो कड़े में वो जंजीर की भांति दिखाई है, और वो पुतली की तरह से तो ऐसे मोतियाँ एकदम गोल गोल भी नहीं होती है, कुछ लंबी लंबी भी होती है, तो ऐसी ऐसी निकली हो ना, तो वो पुतली की तरह से वो हो जाती है, उस हिसाब से कहना चाह रहे हैं। तो पुतलियाँ मोती ने कि कदमों रही लिपटाए, कदमों में लिपटी हुई है, राज्य के चरणों में तो चारों तरफ लिपट करके बैठी हुई है। जैसे ब्रह्मात्माएँ चारों तरफ हैं, ऐसे ही ये भी चारों तरफ लिपटी हुई है। सब समूह भूषण जब देखिए, अब पूरे भूषणों के समूह को देखते हैं, अद्भुत शोभा लेता है, तब बड़ा ही आश्चर्यजनक होता है, आश्चर्य होता है। जुआ खूबी क्यों कह सके, ये जुहा उन आभूषणों की विशेषता क्या बता पाएगी। हकत दिल चाही शोभा देता, तो अक्षराते धामधनी जैसी शोभा चाहते हैं, उनसे उसी प्रकार की शोभा निकलती है। हाथ दीजिए भूषण पर, उन आभूषणों पर हाथ ऐसे देते हैं तो उनको स्पर्श करते हैं, तो सो हाथों लगत नाहे, तो वो उसमें तीक्ष्णता दिखती हो तो भी वो हाथों में चुभेगी नहीं। पहने हमेशा देखिए, तो हमेशा पहने हुए हैं इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ऐसे कई गुण हैं इन माएँ, इनमें ऐसे अनेक गुण हैं। जैसे दूसरे आभूषण हैं वो हम हमेशा नहीं पहन सकते, उनको उतारना ही पड़ता है, थोड़ी देर पहना, वो तो दिखाने के लिए है, तो थोड़ी देर पहना उतार करके रख देना पड़ता है, हमेशा कोई नहीं पहन सकता। तो ये तो हमेशा पहन सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं, ऐसे इनमें गुण हैं। अरसतना हाथ अरसतने एक दूजे परश होए, अब परमधाम के स्वरूप के हाथ, ब्रह्मात्माओं के परात्मा के, उनसे ये परमधाम के ये अंग उनका स्पर्श हो, एक दूजे परश हो, एक दूसरे का स्पर्श हो जाए। तो हाथ वस्त्र या भूषण दूजा अरस तने लगे न कोई, हाथ वस्त्र या हाथ हो वस्त्र अथवा आभूषण हो, तो वो दूसरे परमधाम के अंग को वो चुभता नहीं है, तो परमधाम की ही ये विशेषता है। तो कोई भी वस्तु आभूषण हो तो वो हाथ को नहीं चुभेंगे, और कोई आभूषण वगैरह भी, जैसे हम लोग हाथ से कुछ कर रहे होते हैं, तो दुनिया में बनाए हुए आभूषण तो टूट भी जाते हैं, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और हाथ कोई है नहीं कया वास्ते भूषण के, दूसरे हाथ तो कोई है नहीं, कहने के लिए भूषण के लिए कह दिया कि दूसरे हाथ की, वो तो परमधाम के हाथ स्पर्श करेंगे ना तो दुनिया के हाथ तो स्पर्श कर ही नहीं पाएंगे। और वस्त्र ना कछु भूषण, दूसरे वस्त्र और आभूषण भी नहीं है, वो परमधाम के ही हैं जो इतने मुँह ना लगे, जो यहाँ पर दुनिया में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए ऐसा तो कोई है ही नहीं। इसलिए वो सब जो है वो परमधाम का ही, हाथ भी परमधाम के हैं, अंग परमधाम के, आभूषण परमधाम के, ज्योति परमधाम की, सब कुछ परमधाम का है। कई एक हमेशा वाय दत्ता दूजा जरा न काहो कित, है एक हमेशा वाय दत्ता, हमेशा एक अद्वैत ये धाम ही रहने वाला है, वहीं की वस्तु रहने वाली है। दूजा जरा न काहो कित, दूसरी वस्तु तो दिखने के लिए थोड़ी देर दिखती है, बाकी इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये देखत सो भी कछु ये नहीं, जो दिख रहा है ये भी कुछ है ही नहीं वास्तव में। और कछु नजरों भी ना आवत, वैसे देखा जाए तो ये कुछ दृष्टिगोचर भी नहीं होता है, ये तो थोड़ी देर के लिए अक्षरात धामधनी ने चाहा तो दिखा दिया, बाकी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वाय दत्त का, वाय दत्त में वस्त्र भूषण पहनत, अद्वैत भूमिका के वस्त्र आभूषण अद्वैत भूमिका में ही पहने जाते हैं। ये नूर है इन अंग का, वास्तव में ये सब वस्त्र आभूषण तो परमधाम के इन स्वरूपों के प्रकाश ही हैं। ये शून्य जीवना नाशत, ये नाशत का तात्पर्य नाशवान, तो ऐसे नाशवान संसार के शून्य की वस्तुओं की तरह से नहीं है, ये परमधाम के हैं, वो शाश्वत है। मीही बातें अर्श सुख की, परमधाम की ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, सो जाने अर्श अरवाए, परमधाम की आत्माएं उसको समझ सकती है। इन जिमी सो जान ही जिन मोमिन कलेजे घाए, इस दुनिया में रह करके वही ब्रह्मात्मा जान सकती है जिनके हृदय में चोट पहुंची हो, परमधाम की बातों लेकर के उसका इतना उसको तड़प हो उसको देखने के लिए, तो वो देख भी सकती है जान भी सकती है, बाकी हर किसी के लिए ये उपलब्ध नहीं होंगे। इन जिमी आशिक क्यों रहे, वह छिन में डार मार, तो इस जिमी में ये अनुरागिणी आत्माएं कैसे रह सकती, वो छिन में डार मार, वो वियोग होगा तो एक क्षण में उसको मार डालेगा। तोलों रहे सहूर में जोलों रखे राखन हारा, तो जब तक रखना चाहने वाले अक्षरात धामधनी जब तक टिका रखे करके रखेंगे तब तक ही वो रह पाएगी, बाकी तो शरीर वो छोड़ ही देगी। यही काम आशिकन के फेर फेर करे वर्णन, आशिकों का यही काम है कि बार बार इनका वर्णन करते रहें और आनंदित रहें। विध विध सुख स्वरूप के सुख लेवे श्रृंगार, भिन्न भिन्न ऐसे अक्षरात धामधनी के विभिन्न ये अंगों के और उनके आभूषणों वस्त्रों के अलग अलग सुख को श्रृंगार को वो अनुभव करते रहें, ये आशिकों को बड़ा अच्छा लगता है। यही आहार आशिकन का, अनुरागिणी आत्माओं का आहार यही तो है, यही शोभा श्रृंगार है, यही शोभा श्रृंगार, इनको देखना वर्णन करना बातचीत करना। झीले सागर वाहिदत्त में, वो तो अद्वैत के सागर में हमेशा निमग्न रहती है, मस्त रहती हैं, डूबी हुई रहती है। मेहर सागर अपार, ये क्या है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के कृपा का ही सागर है। महामत देखे विवेक सो हक वस्त्र और भूषण, महामती कहते हैं महामती ने इन वस्त्र और आभूषणों को विवेक से देखा है। सब अंग शोभा अंगों की, ज्यों दिल होए दिल रुआ होए रोशन, सब अंग शोभा अंगों की, सब अंगों की शोभा इसलिए ये बताइए ज्यों दिल रुआ होए रोशन, इससे ब्रह्मात्माओं का दिल है वो प्रकाशित हो जाए और वो भी देख सके, इसके लिए बताया है। हमने तो जो अक्षरात धामधनी ने जो भी ज्ञान दिया वो सतगुरु के माध्यम से मिला, उसके आधार पर देखा। अब तुम भी देखना चाहो तो देख सकते हो, इसके लिए तुम्हें बताया है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अभी के प्रश्न को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ज्यों दिल रुआ होए रोशन, महामत देखे विवेक सो, हक वस्त्र और भूषण सब अंग शोभा अंगों की यो दिल रुआ होए रोशना यो दिल रुआ होए रोशना